बीसीसी के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोग के समक्ष अधिगम का आज लास्ट वीडियो है, पार्ट 6। पांच पार्ट आप लोगों ने देख लिया होगा तो उसका नोट भी बना लिए होंगे। आज हम अधिगम का लास्ट करेंगे और पहले हम इसको लास्ट कर देते हैं, उसके बाद इसके बारे इससे संबंधित जो भी प्रश्न है उस पर हम देख लेते हैं। ओके, चलिए। संज्ञानवादी सिद्धांत हम लोग चल रहे थे, इसमें हमने आए थे दो सिद्धांत, हमने इसमें देखा था एक सूझ था, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, और एक है हमने देखा पिछला क्लास में क्षेत्रवादी सिद्धांत। आज हम लोग देखेंगे संज्ञानवादी सिद्धांत में, और वो भी आज अधिगम का लास्ट हो जाएगा और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है और जो कि सभी से मिला हुआ है। क्या है? रॉबर्ट एम गैने का सिद्धांत। क्या नाम है? रॉबर्ट एम गैने का सिद्धांत। इसको अष्टपदीय सोपान का सिद्धांत भी कहते हैं। पहले आप क्या करिए, चूंकि रफ हो जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए अच्छा से और आराम से लिख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिए ना? चलिए अब आइए। अष्टपदीय सोपान का सिद्धांत कहा जाता है। ये इन्होंने जो है बताया, ये जो आपको सिद्धांत जो इन्होंने बताया, ये ट्रायंगल रूप में इन्होंने लिया, त्रिभुजाकार रूप में लिया, और त्रिभुजाकार में इन्होंने नीचे से ऊपर जो हमारा जैसे जैसे लेवल बढ़ता है वैसे वैसे आपका कठिन लेवल बढ़ता जाता है अधिगम का, है ना, सरल से कठिन। ये इंडिकेट देखिए, वो बाद में देखेंगे। पहले इन्होंने क्या किया, 8 प्रकार का अधिगम स्तर बताया। पहला चीज कौन, रॉबर्ट एम गैने ने अपने सिद्धांत को अष्टपदीय सोपान सिद्धांत के हैं, इन्होंने बताया कि कितने प्रकार के आपके अधिगम होते हैं, 8 प्रकार के अधिगम के लेवल होते हैं, 8 प्रकार के लर्निंग के स्तर होते हैं। क्या क्या, समझिएगा। तो हमने ये बना दिया आपके सामने, और इसमें देखिए ये हमारा पहला लेवल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नीचे से ऊपर आते हैं, ठीक है। हमारा पहला जो स्तर है वो कहलाता है संकेत अधिगम स्तर, सबके बारे में डिटेल भी हम लोग पढ़ेंगे, संकेत अधिगम स्तर। दूसरा है अनुक्रिया उद्दीपक स्तर। तीसरा है श्रृंखला अधिगम स्तर। चौथा है शाब्दिक अधिगम स्तर। पांचवा है बहुविभेदनात्मक अधिगम स्तर। छठा है संप्रत्यय अधिगम स्तर। सातवां है सिद्धांत अधिगम स्तर। और लास्ट है हमारा समस्या समाधान अधिगम स्तर, लास्ट में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो सबसे ये नीचे वाला निम्न स्तर हो जाएगा पहला, और ऊपर वाला हो जाएगा उच्च स्तर, ठीक है। यहाँ तक हम समझ गए। देखिए लेवल 1 से लेकर के 3 तक, 1, 2, 3, संकेत, अनुक्रिया उद्दीपक और श्रृंखला अधिगम स्तर, ये पशु और मानव दोनों में होता है, ये पशु और मानव दोनों में होता है। इसी कारण इसको व्यवहारवादी सिद्धांत भी कहते हैं, और व्यवहारवादी सिद्धांत हमको लगता है आप लोग को दिख नहीं रहा है तो यहीं पर लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या लिखते हैं, व्यवहारवादी सिद्धांत। चूंकि आपको याद होगा कि व्यवहारवादी सिद्धांत में पशु और मानव दोनों का हमने चर्च भी किया था, ठीक है। चलिए, मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, संकेत अधिगम स्तर, अनुक्रिया अधिगम स्तर, श्रृंखला अधिगम स्तर, पशु और मानव दोनों में पाया जाता है। इस कारण उन्होंने, रॉबर्ट एम गैने ने इनको क्या किया, व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत रखा। अब 4 से लेकर के 8 तक शाब्दिक, बहुविवेदनात्मक, संप्रत्यय सिद्धांत और समस्या समाधान अधिगम स्तर, ये 4 से लेकर के 8 तक जो हमारा लर्निंग का जो लेवल है, अधिगम का जो स्तर है, वो आप केवल और केवल किस में होता है, मानव में होता है, केवल और केवल मानव में। इसीलिए इसको कौन सा सिद्धांत कहा गया, संज्ञानवादी सिद्धांत। तो 1, 2, 3 तक पशु और मानव में होने के कारण व्यवहारवादी सिद्धांत, और 4, 5, 6, 7, 8 का जो हमारा लर्निंग, जो हमारा लेवल है, वो आपका केवल और केवल ह्यूमन में होता है, मानव में होता है, इसलिए उसको संज्ञानवादी सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग जानते हैं। तो ये हमने देखा। देखिए निम्न से उच्च, मतलब एक लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यदि किसी भी विद्यार्थी को यदि हम लेवल 1 से 2 गुजारते हैं, 2 से 3 लेके जाते हैं, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, तो सरल से क्या होते जाता है, कठिन होते जाता है। तो याद रखिएगा, इस अधिगम का लेवल जो है वो क्या है, इजिली टू डिफिकल्ट, मतलब सरल से कठिन अधिगम स्तर ये होता है, ठीक है। तो ये हमारा था रॉबर्ट एम गैने का सिद्धांत या अष्टपदीय सोपान का सिद्धांत। अब हम लोग इसमें एक एक स्तर के बारे में जानेंगे कि प्रत्येक स्तर में क्या क्या उल्लेख होता है,
चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, और ये पार्ट सिक्स वीडियो है, आज अधिगम का लास्ट होगा, है ना। इसके बाद हम लोग अधिगम में जानेंगे क्वेश्चन इससे संबंधित जो भी हम आज देख लेते हैं। चलिए एक एक स्तर हम लोग देखते हैं अब जरा। पहला है संकेत अधिगम स्तर, पहला है संकेत अधिगम स्तर, यही देखे थे। देखिए कुछ नहीं है, संकेत इंडिकेट कॉन्सेप्ट लेवल, इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंडिकेट कॉन्सेप्ट लेवल, ठीक है, ICL, है ना। देखिए इसमें मेन याद रखिएगा कि अधिगम का जो हमारा आधार क्या है, इसमें हमारा अधिगम का आधार क्या होगा, तो अधिगम का आधार आपको क्या लग रहा है बताइए। तो अधिगम का आधार है मेरा संकेत, है ना। इस लेवल में अधिगम का जो बेस है वो कौन है, संकेत। इसमें कौन कौन सिद्धांत आएगा, चूंकि हमने पढ़ा था व्यवहारवादी में थॉर्नडाइक का शास्त्रीय परंपरागत सिद्धांत भी, है ना, ये सब हम लोग पढ़े थे, आपका पुनर्वलन का भी सिद्धांत पढ़े थे। तो संकेत के अनुसार कौन आएगा, सिंबल के अनुसार हमारा किस में आएगा, तो ये आएगा आपका शास्त्रीय या परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, ये जो हम बताए थे आपको घंटी वाला सिस्टम, ठीक है। किनका था बता दिया गया है ना। चलिए देखिए इवान वी पावलोव, यहाँ देखिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा शास्त्रीय, कौन सा सिद्धांत आएगा ये भी देख लीजिए, कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ ही देता है, शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत इसमें आता है इस लेवल में, ठीक है। तीसरा, इसमें किसका निर्माण होता है, तो इसमें निर्माण होता है यांत्रिक आदतों का निर्माण होता है, कृत्रिम नहीं, यांत्रिक आदतों का निर्माण इस लेवल से होता है। हो गया स्पष्ट, तीन पॉइंट याद रखिएगा कि संकेत अधिगम स्तर में अधिगम का आधार संकेत होता है, और इसमें सिद्धांत कौन होता है, शास्त्रीय या परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, इसमें किस चीज का निर्माण होता है, आदतों का निर्माण होता है। चलिए अब दूसरा जो मेरा लेवल था, संकेत से ऊपर जाइए तो था अनुक्रिया उद्दीपक स्तर, तो वो तो बस वो हम बता नहीं रहे हैं, आप वो जानते भी हैं। अनुक्रिया उद्दीपक में अनुक्रिया और उद्दीपक का अनुबंधन का परिणाम कौन दिए थे, थॉर्नडाइक दिए थे। तो दूसरा जो लेवल है वो आपका क्या है, अब दूसरा कौन से सिद्धांत से मिलता है, थॉर्नडाइक के व्यवहारिक सिद्धांत से मिलता है, ठीक है। उसमें क्या होगा, अनुक्रिया उद्दीपक, जैसे मान लो किसी बच्चे को उस संकेत पहले देख लिया कि नहीं ये A4 एप्पल है, सॉरी सेव है, अब ये क्या करेगा, उसको कैसे याद करवाते हैं, तो ये तो संकेत हो गया, पहला लेवल हो गया। अब उसको उसे थोड़ा ऊपर जाएंगे, तो उससे ऊपर जा करके उसको क्या करेंगे, तो दूसरा क्या लिखा गया, अनुक्रिया उद्दीपक, तब उसको हम कहते हैं अनुक्रिया क्या होगा, मान लो बोलेंगे ए, तो ए, तो ए उच्चारण करेगा, तो बार बार क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा, तब जा करके A4 एप्पल वो सीख जाएगा। तो ए से A4 एप्पल सीखने के क्रम में अनुक्रिया और अनुबंधन का बॉन्डिंग हुआ है, तो इसलिए हो गया वो कौन सा लेवल, उद्दीपक अनुक्रिया का अधिगम स्तर, किसका उसमें किसका सिद्धांत आएगा, थॉर्नडाइक का आएगा। हो गया दूसरा। चलिए तीसरा है श्रृंखला अधिगम स्तर, श्रृंखला अधिगम स्तर आपको क्या है, श्रृंखला अधिगम स्तर मतलब हो गया कि श्रृंखला मतलब क्रमित रूप से चलिए, क्रम से चलिए। जैसे आप देखते हैं बच्चा को आप डायरेक्ट आप 16 का टेबल नहीं याद करवाते हैं, क्या करवाते हैं, पहले 1 2 3 4 5 6 7 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, क ख ग ग घ, फिर ABCD, तो उसका क्रम होता है, श्रृंखला होता है। तो देख रहे हैं आप सिस्टम से चलिए, पहले आपने सिम्बॉलिक देखा, उसके बाद क्या देखें आप कि A4 एप्पल B4 बॉल बॉन्डिंग का हुआ, फिर हम उसको क्रम से चलाएंगे तो हो जाएगा श्रृंखला अधिगम स्तर, ये व्यवहारिक में आ रहा था। अगला है शाब्दिक अधिगम स्तर, शाब्दिक अधिगम स्तर मतलब क्या हुआ, जैसे अब हुआ बच्चा जो है वो समझ जाता है कि आपका क्या कहता है, हाँ वो क ख ग घ ये सब समझ जाता है, तब उसको वर्ण का ज्ञान होता है ना, वर्ण का ज्ञान होता है वर्णों से, उसके बाद शब्द जानता है, शब्द क्या होता है, शब्द के बारे में समझता है, खटमल पाठ्यक्रम तो पढ़ना तो लिखना, तो फिर खाना पीना या जो भी है रटने का, तो उस शब्द से उसको क्या क्या हो जाता है, पढ़ने का शैली, पाठ्यक्रम रटने का, स्मरण करने का, ये सब उसका धीरे धीरे मानसिक विकास होने लगता है। अब अगला बताए थे हम लोग, बस उसको समझा रहे हैं, बहुविभेदनात्मक,
तो बहु विभेदनात्मक, बहु मतलब क्या होता है दो या दो से अधिक, विभेद मतलब तोड़ना है ना। तो अब वह वहां पर वो सीख जाता है कि दो या दो से अधिक उद्दीपकों में अंतर सीख जाता है। जैसे मान लिया जाए कोई वर्ड आप वहाँ जब शब्द समझ जाता है, तो अब ये देखिए ये भी वर्ड कनक है, ये भी वर्ड कनक है, तो इस कनक दोनों में विभेदन करना सीख जाता है, अंतर करना सीख जाता है। ठीक है, तो इस कनक का अर्थ मतलब दोनों कनक ही, एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतुरा, धतुरा। ठीक है, तो वो समझ जाता है अब शब्द बहु विभेदनात्मक मतलब शब्दों में अंतर करने के लिए। अगला आता है संप्रत्यय। संप्रत्यय को क्या बताए थे, कॉन्सेप्ट है ना। वो अब संप्रत्यय मतलब क्या बताए थे कि मानसिक निरूपण मतलब मस्तिष्क में बनने वाले प्रतिबिंब से समझना, समझ बूझ उत्पन्न करना। तो अब उसको कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है, कंसेप्चुअल। जैसे बच्चे को जाकर के 1-2 को आप कॉन्सेप्ट समझाने जाए नहीं, तो उसका धीरे धीरे लेवल होता है ना, तो संप्रत्यय आता है। ठीक है, अब चूंकि जैसे आप उसको कह दीजिएगा कि देखिए, जैसे बच्चे को कहिएगा कि जा पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो बच्चा उतना नहीं समझेगा, बस समझता वो क्योंकि उसको मस्तिष्क में उस वहाँ तक उसको समझ बूझ अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। लेकिन जब बच्चे शब्दों में अंतर करना समझ जाएंगे, तब वो कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, तब वहाँ समझेंगे कि हाँ पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, पानी इतना पर जमता है, क्वथनांक कितना होता है, चूँकि उसके दिमाग में उस समय तक पानी उबलते हुए का इमेज उसके दिमाग में मस्तिष्क में आ जाता है इस वजह से। ठीक है, चलिए अगला आता है आपका क्या, सिद्धांत अधिगम स्तर। सिद्धांत मतलब क्या होता है, थ्योरी। जब बच्चा जो है मस्तिष्क में जो है बनने वाले प्रतिबिंब से वह समझ बूझ जाता है, अर्थात वह कॉन्सेप्ट समझ जाता है, तब वह अब थ्योरी भी समझने लगता है। आप देखते हैं कि न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम आपको 1, 2, 3 में क्यों नहीं डाला गया, सबका सिलेबस का आपने देखते हैं लेवल बाई लेवल है ना। तो आपको यदि 9th क्लास में ही यदि आपको कह दिया जाता है, 9th में ही जैसे मान लीजिए न्यूटन का पहला का नियम, दूसरा का नियम, तीसरा का नियम, न्यूटन तीसरा नियम, तो वहाँ पर आप उसको बस थ्योरी बता दिया जाता है, मतलब वहाँ पर चूंकि बस वो वहाँ पर बच्चा जो है वहाँ पर अब आप कॉन्सेप्ट समझ जाता है, मस्तिष्क में प्रतिबिंब बनता है, तब वह समझता है कि नहीं इस पर कोई सिद्धांत रहा होगा, है ना। जैसे मान लीजिए ऊपर की फेंकी गई कोई वस्तु नीचे गिरती है, तो अब आप कोई दूसरा तीसरा बच्चा क्लास 2 या 3 क्लास के बच्चे को जाकर बोलिएगा कि देखो गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरा, वो उन्हें समझेगा, बस समझेगा कि नहीं ऊपर फेंकी वस्तु नीचे गिरा। ओके, अब आप यदि आप क्लास 8-9 के बच्चों में जाइएगा, तो कहीं ना कहीं वो एराजेशन मन में उसके उसके मस्तिष्क में क्वेश्चन उठता है कि आखिरकार ऊपर फेंकी वस्तु नीचे क्यों आई। ठीक है, चूंकि उस समय तक उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, अर्थात वो जानना चाहता है। तो ये आपका कौन सा क्लियर करता है, कौन सा लेवल, तो ये करता है सिद्धांत अधिगम स्तर। अगला आता है लास्ट आपका है, जब ये सब कुछ समझ जाता है, तब समझ जाता है कि हाँ अब हम किसी समस्या को सोल्व कर सकते हैं, अर्थात समस्या समाधान अधिगम स्तर। समस्या समाधान अधिगम स्तर में ये किस में होता है, सबसे ज़्यादा मानव में होता है, हम लोग में होता है। ठीक है, तो ये था आपका क्या, ये था आपका इनका, तो ये था आपका 8 स्तर रॉबर्ट एम गैने के सिद्धांत के आधार पर, इसको हमने भी क्लियर कर दिया और अच्छे से समझा दिया। चलिए यहाँ पर आ करके आपका अधिगम जो है क्लियर हो जाता है। इसके बावजूद भी यदि आपका कोई टॉपिक बचता है, तो आप जरूर कमेंट में लिखिए और आप देखिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम लोगों ने अधिगम देख लिया। अब अधिगम के आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, दो चीज़ें होती है, एक हमारा मनोविज्ञान हम लोग को पढ़ना है, साइकोलॉजी। ठीक है, तो मुझे जैसा लग रहा है कि अगला पार्ट वीडियो जो बनाया जाए वो साइकोलॉजी से संबंधित नहीं हो, कुछ और हो, तो मैं कुछ और सरप्राइज लेकर के आप लोग को आऊँगा। यदि आपके मस्ती आपके दिमाग में यदि कुछ और है कि नहीं अब कोई और दूसरा टॉपिक है, तो आप ज़रूर आप हमें पर्सनल व्हाट्सएप पर भी बोलें या किसी भी तरह हमको इन्फॉर्मेशन दें, हम ज़रूर आपकी बात मानेंगे। ठीक है, और नहीं तो मेरे दिमाग में भी कुछ है, तो उसको हम लेकर के अगले पार्ट वीडियो में आएंगे और सरप्राइज देंगे। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने अधिगम को क्लियर कर लिया। अब अधिगम से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके लगभग 50+ क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव 50+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो मैं उस क्वेश्चंस को यहाँ पर लिख करके, उसमें टाइम ज़्यादा जाता है, हम ऐसा करते हैं कि आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे अधिगम से। ठीक है, व्हाट्सएप से आप जुड़ जाइए, मैं आप कोई 7366904431 व्हाट्सएप पे आप बोलिए, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए, मैं आपको अधिगम से जो हमारा PDF होता है क्वेश्चन का, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और सेंड कर दूंगा। ठीक है, वो हम सेंड कर देंगे, है ना, और ग्रुप से जो जुड़े हुए ग्रुप में भी भेज देंगे,
यदि कोई सेकुरा डाइट में है तो सेकुरा डाइट में भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन सेकुरा डाइट में हम क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं भेज सकते हैं, मजबूरी है, बाकी वीडियो हम भेज सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको संपर्क करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, है ना। अन्यथा हम देखते हैं, सुविधा होगा हम भेज देंगे, कोशिश करेंगे भेजने का, ठीक है। चूँकि एक एक क्वेश्चन यहाँ करवाना मुश्किल है। इसके बाद हम आप लोग को अगले वीडियो में ये बतला देंगे कि अधिगम से संबंधित डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में या आगे आने वाले सेकंड सेमेस्टर में कुछ कुछ पार्ट है, तो उन दोनों में हम लोग को क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन पूछा है नहीं पूछा, उसका आंसर राइटिंग कैसे करना है। तो अगला वीडियो आप लोग का सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। अगला वीडियो में हम अर्ली सुबह स्टार्टिंग का 10 मिनट समय हम अधिगम से संबंधित आने वाले प्रश्न, मतलब कौन सब्जेक्टिव, उसका आंसर राइटिंग कैसे करना है वो समझा देंगे, और आगे हम जो चैप्टर लेके आएंगे उसको चलेंगे। आज हम अधिगम का लास्ट यहीं पर करते हैं, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।